सुशांत सिंह राजपूत भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अब भी अपने फैंस के दिलों में राज करते हैं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को एक झटका दे दिया। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड उद्योग को लेकर बहुत सारे विवादों का दौर चल रहा था। एक बार फिर से दिवंगत अभिनेता का अपार्टमेंट सुर्खियों में है। मालूम हो कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कैप्री हाइट नाम के उनके बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाया गया था, जो समुद्र के सामने एक भव्य अपार्टमेंट था, जहां सुशांत पिछले 2.5 वर्षों से रह रहे थे। हालांकि अभिनेता के निधन के बाद भी फ्लैट खाली है और अभी तक उस फ्लैट को कोई लेने वाला नहीं मिला। इस बीच रियल एस्टेट ब्रोकर ने हाल ही में समुद्र के सामने वाले फ्लैट की एक क्लिप पोस्ट की और किराए पर संपत्ति की उपलब्धता की जानकारी दी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत के बाद कोई भी इस घर में जाने को तैयार नहीं। ब्रोकर ने यह भी खुलासा किया है कि फ्लैट के NRI मालिक ने अतीत के विवादों के चलते अपना फ्लैट विशेष रूप से बॉलीवुड हस्तियों को देने से सख्ती से इनकार कर दिया। मालिक के पसंद के अनुसार वे किराएदार के रूप में एक कॉर्पोरेट व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। हालांकि कुछ भी काम नहीं कर रहा और फ्लैट 2.5 सालों से खाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को मुंबई में उनके बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाया गया था, जहां मुंबई पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या का मामला बताया।